इतनी एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हर रोज की तरह निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में जिस तरह से कंसोलिडेशन हुआ है आज के दिन में, तो उसके बाद अब क्या निफ्टी यहाँ पे 12,500 की तरफ बढ़ेगा या फिर यहाँ से एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई जाएगी जो कि 12,100 तक निफ्टी को ले जा सकता है। तो चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट उससे पहले सभी लोगों से मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोलना चाहता हूँ कि कल जो डाटा रीड किया गया था निफ्टी का सही था, बट बैंक निफ्टी में वो बाय मिस्टेक, ये जो डेट होती है ना जब आप पेज चेंज करते हो, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे, अब आज तो नहीं होगा, जैसे ये मैंने निफ्टी का लगा के रखा था, निफ्टी के बाद अगर मैं बैंक निफ्टी सेलेक्ट करता हूँ तो बैंक निफ्टी बाय डिफ़ॉल्ट वो वही डेट लेता है जिस दिन की वो एक्सपायरी होती है। तो निफ्टी के केस में तो मैंने चेंज कर दिया था, बट बैंक निफ्टी के केस में चेंज करना भूल गया था क्योंकि बैंक निफ्टी का जो डाटा होता है वो लेवल्स पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऑप्शन चेन डाटा में तो जो वॉल्यूम्स है वो कम ही रहता है, तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, बट लेवल सेम थे, डाटा थोड़ा चेंज था। तो फिलहाल आज की बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी की। तो मार्केट में तो हम देख नहीं पाए क्योंकि हमारे जो एरिया का जो नेट था वो सुबह से गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन की वजह से बंद कर रखा था यहाँ पे, और अब जाके वो स्टार्ट हुआ है तो मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, अदरवाइज़ ये सुबह से बंद पड़ा था 8 बजे से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी की आज की क्लोजिंग, देखिए 12 पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद हुआ है यहाँ पे निफ्टी 12,271 पे। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे 12,200-300 के बीच में। तो सबसे पहले 12,200 की बात करते हैं, तो 12,200 पे आपको दिख रहा है क्लियर कट पुट पे 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जिसमें कि 5,26,000 का ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में ऐड हुआ है। वहीं अगर 12,200 की कॉल की बात करते हैं तो कॉल पे आप देख सकते हो 5,89,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जिसमें कि आज के दिन में थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई दिया है। उसके बाद बात करते हैं 12,300 की, तो 12,300 की जो पुट है यहाँ पे आप देख सकते हो 16,40,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है टोटल, और यहाँ पे 7,52,000 का आज के दिन में ऐड हुआ है। वहीं अगर 12,300 की कॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 5 लाख का आज के दिन में ऐड हुआ है। इसका मतलब क्लियर कट ये है कि 12,300 थोड़ा सा एक हर्डल का पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है धीरे धीरे, बट यहाँ पे जैसे जैसे पुट राइटर का कॉन्फिडेंस है वो बता रहा है कि अगर 12,300 निकलता है तो 12,300 पे भी काफ़ी तेज़ी से पुट राइटिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, और ट्रेंड जो पॉजिटिव है उसका यूटिलाइजेशन आपको ये करना है कि कोई भी डिप आती है 12,200 तक की तो आपको उस 12,200 की डिप तक पे, यानी सिंपल सी चीज़ है, 12,200 तक की डिप आती है उसमें आपको लॉन्ग करना है। ऐसा नहीं है कि आप 12,250 पे ही लॉन्ग कर लो, ऐसी डिप मिलती है आपको जो कि डेफिनेटली आपको मिलनी चाहिए, एक दो ट्रेडिंग सेशन में ज़रूर मिलेगी 12,200 तक की डिप, वहाँ पे जाके आप एक लॉन्ग कर सकते हैं। और जो टारगेट है इंटैक्ट वो करीब करीब आप मान के चलिए 12,350 पहला और 12,400 दूसरा, इस लेवल तक आपका निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगले आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। तो लॉन्ग साइड पे ही रहिए, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, जब तक कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है, ग्लोबल माहौल थोड़ा सा बिगड़ता नहीं है, तब तक आप यूटिलाइज कर सकते हो इस चीज़ को कि आपको किस तरीके से यहाँ पे काम करना है। तो ओवरऑल ट्रेंड का यूटिलाइजेशन करिए और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही काम करने की कोशिश करिए, डिप का यूटिलाइजेशन करिए अपने लॉन्ग बनाने के लिए, उस लॉन्ग को आप यूटिलाइज करिए, एक अच्छा प्रॉफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब जल्दी से बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा को। तो बैंक निफ्टी के लिए देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए बैंक निफ्टी की आज की जो क्लोजिंग आई है वो सबसे हाईएस्ट लेवल की क्लोजिंग देखी जा रही है यहाँ पे, 32,384 पे क्लोजिंग आई है। यानी जो बैंक अब यहाँ पे क्लियर कट जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि बैंक निफ्टी 32,500 तक का टारगेट को अचीव करेगा, उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो ये हो सकता है सिनेरियो आपको मंडे को देखने को मिल सकता है या ट्यूसडे को देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे हम अगर ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं तो ऑप्शन चेन डाटा पे सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट आपका 32,000 का है, और सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो है 32,500 का, क्योंकि 32,000 पे जो पुट राइटर है वो करीब 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे, कॉल राइटर यहाँ पे सिर्फ 2,35,000 के हैं। वहीं अगर 32,300 की बात करते हैं तो 300 पे आप देख सकते हो कि 3,87,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है यहाँ पे, जो कि आज के दिन 32,300 निकला है, बट कॉल राइटिंग में अगर देखा जाए तो 2,54,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे,
तो इसका मतलब क्या है कि ये पुट राइट है, एग्रेसिवली पुट राइट कर रहे हैं, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है। और जब भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है तो देयर इज अ चांसेस कि एक डिप आ जाती है, क्योंकि जब सारे लोग तेजी करेंगे, सब लोग तेजी ही करेंगे, तेजी करेंगे, तेजी करेंगे, तो तेजी भी एक लिमिट में ही होती है ना, तो वही वाली बात यहाँ पे है। वहीं अगर 32,500 की बात करते हैं तो 5,70,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल साइड पे, और 32,500 की जो पुट की बात करते हैं तो वहाँ पे 1,42,000 का है। तो टोटली अगर यहाँ पे क्लियर कट देखा जाए तो 32,500 का टारगेट अचीव होगा, लेकिन 32,500 के ऊपर बैंक निफ्टी टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा, ये थोड़ा सा माहौल देखने को मिलेगा आगे आने वाले दिन में। तो आपको करना क्या है, डिप को यूटिलाइजेशन करिए लॉन्ग बनाने में, और जब तक एक ग्लोबल मार्केट में एक सेल ऑफ नहीं देखने को मिलता या प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिलती, तब तक आप शॉर्ट करने की कोशिश मत करिएगा, या कोई भी बैड न्यूज़ मार्केट में नहीं आती है। एक बार जल्दी से हम डाओ फ्यूचर देख लेते हैं कि डाओ फ्यूचर कैसा काम काज कर रहा है, क्योंकि डाओ जिस तरीके से हाई पे हाई बना रहा है ना, ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सिग्नल जनरेट कर रहा है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, हमारे मार्केट के लिए भी। तो देखिए आज भी यहाँ पे डाओ देख सकते हो आप, 15 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपनिंग के संकेत दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ हो ना हो, कंसोलिडेशन भी होगा तो भी चलेगा, बट गिरावट नहीं आनी चाहिए मोर देन 200-300 पॉइंट की। तो यानी यहाँ पे डाउ जिस तरीके से भाग रहा है उसी चीज़ को यूटिलाइज कर रहा है हमारा मार्केट, और हमारे मार्केट में भी कोई भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो लॉन्ग का इस्तेमाल करिए और देखिए कि यहाँ पे ऑप्शंस में तो कुछ नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस पे क्या है फिलहाल आपको दिक्कत थोड़ी सी आ रही है कि कंसोलिडेशन में ऑप्शन में ना पुट काम आती है ना कॉल काम आती है, सारा पैसा राइटर्स ले जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही काम करिएगा। और जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो आपको क्लियर कट पता है कि 31,900 के नीचे अगर बैंक निफ्टी बंद होता है तो ये तेजी के जो होगा उस पर ब्रेक लगेगा थोड़ा सा। और अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी के केस में 12,100 के नीचे क्लोज होता है, 12,170 के नीचे भी जाके कामकाज करता है तो थोड़े से सिग्नल्स खराब होते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप मंडे का ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो दिल लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।